हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बेबी बूटीज या बेबी जूता बनाना सीखेंगे। ये जो बूटी बनाया है वो हमने न्यू बॉर्न के लिए बनाया है। इसका सोल का साइज 3 इंच के आसपास है, थोड़ा स्ट्रेच भी है। तो ये कैसे बनाएंगे आज वो सीखेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने 4-ply का एक्रेलिक यार्न यूज़ किया है और एक 5 mm का हुक। तो ये 4 ply एक्रेलिक यार्न के लिए इन्होंने 4 mm का हुक सजेस्ट किया था, मगर मैंने 5 mm का हुक यूज़ किया है और बहुत अच्छे से आता है। आप इसके लिए वर्धमान का जो बेबी यार्न है या नॉर्मल जो भी 4 ply का एक्रेलिक यार्न आता है वो यूज़ कीजिए, और ये 5 mm का हुक। उसके अलावा आपको एक सिसर्स, एक डार्निंग नीडल या एम्ब्रॉयडरी नीडल की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास स्टिच मार्कर है तो वो यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ, मेरे पास स्टिच मार्कर नहीं है इसीलिए मैंने एक दूसरे कलर का एक यार्न लिया है। आप चाहे तो एक सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास अगर ये सब है तो हम ये कैसे करेंगे देखते हैं। और एक और बात जो कहना था, जब ये बेबी बूटी बनाएंगे तो आप अपने स्टिचेस को बहुत टाइट मत रखिए, थोड़ा लूज में पकड़िए, नहीं तो एक तो ये छोटा सा चीज़ है और उसमें अगर आप बहुत टाइट करेंगे तो हुक निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो बस इतनी चीज़ें की ज़रूरत है। और एक और चीज़ है कि ये मैंने पूरा वाइट में बनाया था, तो वाइट बनाया था और उसके लिए मैंने डिफरेंट कलर्स के यान से इसका ऐसे ले, अगर आपके पास सैटन का रिबन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दूसरे कलर से इसका ऐसे पूरा धागा बनाया है। आप पूरा वाइट में बना सकते हैं या फिर पिंक, ब्लू, जो भी आपके पास है उस कलर में बना सकते हैं। तो देखते हैं ये कैसे बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले एक स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे। तो स्लिप नॉट बहुत तरह से बनता है, मैं ऐसे बनाती हूँ, तो आपको जैसे आता है आप कीजिए। तो एक स्लिप नॉट बना दिया। अब इसके बाद आपको 8 chain stitch करने हैं, 8 chain stitches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने यहाँ 8 chain stitch बना दिए हैं। ये बूटी में क्या होता है कि आपको जो पहला रो होता है वही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशन देता है। तो अगर आपका वो पहला रो अगर करेक्ट हो जाए तो फिर थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं कन्फ्यूशन नहीं होने के लिए क्या करूँगी, एक आपके पास अगर स्टिच मार्कर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक दूसरे कलर का यार्न ले रही हूँ और जो मैंने जो 8वां जो चेन किया है उसके अंदर से मैं इसे खींचूंगी ताकि मुझे पता चल जाए वो लास्ट का स्टिच कौन सा था। तो इसको मैंने इसे डाल दिया 8th stitch में, क्योंकि जब ये रो कंप्लीट हो जाएगा तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा 8th stitch का है, कि 8th stitch में हमें एक सिंगल क्रोशे करना होगा, तो इसीलिए मार्क किया है मैंने। तो ऐसे बना दिया। तो ये देखिए, ये हमारा 8th stitch था, उसमें एक स्टिच मार्कर डाल दिया। अब आपको क्या करना है, जो 7th stitch है हुक के पास में से जो दूसरा स्टिच है, द सेकेंड चेन फ्रॉम द हुक, उसमें आपको एक सिंगल क्रोशे डालना है। तो यहाँ एक सिंगल क्रोशे डाल दिया। अब इसके बाद 5 chain stitch में एक एक सिंगल क्रोशे डालना है। तो 5 single crochet बनाना है। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए देखिए, इसको ऐसे मैं सिर्फ इसका जो ऊपर का जो चेन है उसी में ही सिंगल क्रोशे डाल रही हूँ। ऐसे डालकर इसको ऐसे ले लिया, उसके बाद इसको दोनों में से ले लिया। तो ये बन गया हमारा पहला सिंगल क्रोशे, ये हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा।
मैं थोड़ा ये स्लो जा रही हूँ क्योंकि अगर फर्स्ट रो अगर ठीक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो लास्ट स्टिच है उसमें आपको चार सिंगल क्रोशे बनाना है, इस लास्ट स्टिच में चार सिंगल क्रोशे। तो ये बना दिया, एक दो तीन और चार, तो ये बन गया हमारा चार सिंगल क्रोशे। अब आपको क्या करना है, इस ये जो हमने पहले जो चेन स्टिच बनाया था उसके दूसरे साइड में, एक साइड में हमने ऐसे बना दिया, अब इसको ऐसे टर्न करके आपको यहाँ आना है। तो अभी आपको सेवन सिंगल क्रोशे ऑपोजिट एंड में करना है। तो ये था पहला वाला, तो ये इसको तो इसमें तो हमने चार सिंगल क्रोशे डाल दिया, अब इसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे डालेंगे, ऐसे सात डालना है। तो ये एक, उसके बाद ये जो है दो, फिर इस गैप में तीन, ये चार, फिर इसे ऐसे डालना है, पांच, फिर ये जो है यहाँ छः और सात। देखिए ये सात डालने के लिए अभी आप जब यहाँ आएंगे आपको पता नहीं चलेगा, तो क्योंकि हमारे पास ये जो रेड यार्न है ये हमें पता है ये उसका है, सेवेंथ का है, तो उसमें आपको एक और सिंगल क्रोशे डालना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ एक स्टिच मार्कर रखा था ताकि कन्फ्यूशन ना हो। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं और इसके पास में जो चेन स्टिच सिंगल क्रोशे पहले वाला बनाया था उसमें आप एक स्लिप स्टिच डालिए। देखिए ये दोनों बी को एक साथ लेके इसमें आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच बनाने के लिए ऐसे ले लिया, यहाँ से ले लिया और फिर यहाँ कर दिया, तो ये बन गया हमारा पहला रो। तो अगर आप देखेंगे तो इस रो में हमें 17 सिंगल क्रोशे मिलने चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ, एक काउंट कर लीजिए। तो ये जो स्लिप स्टिच था उसे मैं ऐसे निकाल रही हूँ और हम काउंट करेंगे कितना है। तो ये है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये रहा 17 जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था। तो इस रो में आपके पास 17 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। तो मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी, तो इसे स्लिप स्टिच किया। हर रो में जितना है वो काउंट कर लीजिए, नहीं तो ये ठीक नहीं बनेगा, पैटर्न ठीक नहीं बनेगा। अब ये रो फिनिश करने के बाद आप एक चेन स्टिच कीजिए। अब ये चेन स्टिच बनाने के बाद हम रो वन स्टार्ट करेंगे। तो रो वन स्टार्ट करने के लिए ये जो चेन स्टिच बनाया था उसके पास में जो आपको स्टिच दिख रहा है यहाँ, यहाँ हमें दो सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये रहा चेन स्टिच और उसके पास में ही हमें दो सिंगल क्रोशे बनाना है, ये एक और दो। अब इस रो में हम बाकी स्टिचेस बनाने से पहले जो हमारा पहले जो हमने स्टिच बनाया था ये एक ये दो, तो हम यहाँ एक स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि जब हम ये रो फिनिश करें तो हमें पता चलेगा कौन सा पहला स्टिच है। तो पहला जो सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें आप इसे इंसर्ट कर दीजिए। तो मैंने ये देखिए मेरा पहला सिंगल क्रोशे था, ये दूसरा, ठीक है, क्योंकि हमें हमने हमारे पहले स्टिच में ये फुल रो करने के बाद पहले स्टिच में हमें स्लिप स्टिच करना है, इसीलिए वो मैंने मार्क किया था। तो इस रो में हमने पहले स्टिच में दो सिंगल क्रोशे डाल दिए, अब दूसरे स्टिच में भी हमें दो सिंगल क्रोशे डालना है, ये एक और यहाँ फिर से एक और। सो
दो सिंगल क्रोशे डाल दिया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट चार स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे बनाना है, तो हम बनाएंगे नेक्स्ट फोर स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे। तो हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हम इसे यार्न ओवर करेंगे और उसके बाद यहाँ डालेंगे और अपने वर्किंग यार्न को ऐसे निकाल देंगे, फिर यार्न ओवर करके ये तीनों लूप से निकालेंगे। तो ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। तो एक, दो, तीन और चार, ऐसे हमने चार हाफ डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब चार हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट फाइव स्टिचेस में हमें दो दो हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हर स्टिच में आपको दो हाफ डबल क्रोशे बनाना है, ऐसे आपको पांच सेट बनाना है। तो हाफ डबल क्रोशे करने के लिए इसको ऐसे ले लिया, ऐसे पुल किया और तीनों लूप में से निकाल दिया। एक और बनाएंगे, हमें दो हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो ये बन गया हमारा पहला सेट। अब दूसरे सेट नेक्स्ट स्टिच में भी हमें दो हाफ डबल क्रोशे बनाना है, ये एक ये दो, तो दो सेट हो गया। अब तीसरे सेट में फिर दो हाफ डबल क्रोशे, एक दो, फिर यहाँ फिर से दो हाफ डबल क्रोशे, ये फोर्थ है। और फिफ्थ में भी हमें दो हाफ डबल क्रोशे बनाना है, ये एक और ये दो, ऐसे हमने पांच स्टिचेस में हमने दो दो हाफ डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब नेक्स्ट चार में हमें फिर से हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो फोर स्टिचेस में हम सिर्फ एक ही हाफ डबल क्रोशे डालेंगे, ये एक दो तीन और चार, ऐसे चार स्टिच में हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया है। अब इसके बाद हमें लास्ट दो स्टिचेस में दो दो सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये और ये दो लास्ट के दो स्टिचेस हैं, उसमें हम दो सिंगल क्रोशे डालेंगे। तो इसे सिंगल क्रोशे डालने के लिए ये एक और इसी स्टिच में एक और डालेंगे, तो दो सिंगल क्रोशे बना दिया। अब इसके पास में जो लास्ट का जो स्टिच है उसमें भी हम दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये एक और दो। तो ये रो कंप्लीट हो गया। अब ये रो कंप्लीट करने के लिए हमें हमारे पहले स्टिच में स्लिप स्टिच करना है। तो पहला जो सिंगल क्रोशे डाला था तो उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। तो जहाँ ये यार्न है उसी में मैं इसको डाल दूँगी और इसे हमें निकाल लेती हूँ और फिर यहाँ मैं स्लिप स्टिच करूँगी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सेकेंड रो, ठीक है। अब हम थर्ड रो जाएंगे। थर्ड रो जाने के लिए पहले एक चेन स्टिच करेंगे। अब इसके बाद हमें 10 चेन में डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए ऐसे यार्न ओवर करेंगे और पहला स्टिच, ये चेन स्टिच के पास जो पहला वाला जो होल है इसके पास में वहीं डबल क्रोशे बनाना है। तो यार्न ओवर कीजिए, इसको इसमें डालिए, इसको ऐसे निकाल के पहले दो लूप में से ही निकालना है और फिर लास्ट के दो लूप में से निकालेंगे। तो ये बन गया हमारा पहला डबल क्रोशे। ऐसे हमें 10 डबल क्रोशे बनाना है। तो एक और बना के मैं वो स्टिच मार्कर डालूंगी क्योंकि मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूशन हो जाएगा। तो ये पहला डबल क्रोशे बन गया, उसके पास में ही हमें एक और डबल क्रोशे बनाना है, ये दूसरा, ठीक है। अब मैं स्लिप स्टिच मार्कर लगा दूंगी क्योंकि अभी थोड़ा क्लियर है। ये पहला, ये दो स्टिचेस थे तो मुझे अपने पहले स्टिच में स्टिच मार्कर को लगाना है। तो दो डबल क्रोशे हो गए। अब ऐसे हमें
10 डबल क्रोशे बनाना है, 2, फिर यहाँ 3, उसके बाद 4, सॉरी मैं 10 करके मिलती हूँ, नहीं तो अगर मैं ब्रेक नहीं लूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा खींचेगा। आप 10 डबल क्रोशे कीजिए, मैं उसके बाद मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 10 डबल क्रोशे डाल दिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट 6 स्टिचेस में आपको दो दो डबल क्रोशे हर स्टिच में डालना है। तो ऐसे 6 स्टिचेस में हमें दो डबल क्रोशे डालना है। तो वो करेंगे यार्न ओवर करके, ये पहला स्टिच है उसमें हम दो डबल क्रोशे डालेंगे, ये दूसरा स्टिच उसमें भी दो डबल क्रोशे, 1 और 2, ये दूसरा सेट हो गया। अब तीसरे सेट में दो डबल क्रोशे, एक और दो, ये तीसरा सेट है। ये फोर्थ सेट में दो डबल क्रोशे, 1 और 2, 1 2 3 4, 4 सेट हो गया। अब ये पांचवा, 1 2, अब इसके बाद लास्ट में सिक्स्थ में भी हमें दो डबल क्रोशे डालना है। तो ये मेरा सिक्स्थ था, 1 और 2, ऐसे 6 स्टिचेस में हमने दो डबल क्रोशे डाल दिए हैं। अब इसके बाद लास्ट के जो 10 स्टिचेस हैं उसमें भी आपको एक डबल क्रोशे डालना है। तो नेक्स्ट 10 स्टिचेस में ये है मेरा पहला वाला, उसमें डबल क्रोशे डालना है। तो ये 1 2, ऐसे आप 10 डबल क्रोशे कंप्लीट कीजिए और मैं इसके बाद बताती हूँ। तो देखिए मैंने वो लास्ट के 10 डबल क्रोशे भी डाल दिए हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ 2-3 स्टिचेस मिलेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको डायरेक्टली ये जो स्टिच मार्क किया था उसमें आपको एक स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना है, 10 डबल क्रोशे करने के बाद हम एक स्लिप स्टिच करेंगे जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था पहले स्टिच में। इसको ऐसे निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा वो बूटीज़ का सोल। अगर आप मेशर करेंगे तो ये 3 इंच के पास होना चाहिए, देखते हैं, यहाँ से यहाँ 2 और 3 के पास है। थोड़ा और स्ट्रेच मिल जाएगा, हम उसका जो साइड सब बनाएंगे तो थोड़ा और स्ट्रेचिंग मिल जाएगा। तो ये 3 नहीं है 3 के पास है और उसके बाद इसमें थोड़ा स्ट्रेच है। तो ये 3 इंच का बूटी है, न्यूबॉर्न के लिए करेक्ट होगा। तो ये बन गया हमारा सोल। अब नेक्स्ट स्टिच जाने के लिए हम चेन स्टिच से स्टार्ट करेंगे और फोर्थ रो हम स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ रो स्टार्ट करने के लिए हमें बैक लूप में वर्क करना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सब ऐसे वी है, ये सिंगल क्रोशे सब ऐसे वी स्टिचेस है और ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है, मतलब जो बाहर है वो है बैक लूप। तो हम इस पूरे रो में बैक लूप में वर्क करेंगे। तो हम हर बैक लूप में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये चेन स्टिच था। अब ये जो है यहाँ देखिए, ये वी स्टिच का बाहर वाला स्टिच, उसमें हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है, ये 1 2। हम इसको भी मार्क करेंगे क्योंकि इसमें हाइट बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, रो कहाँ ख़त्म हो गया। तो ये मेरा दूसरा था, तो मैं पहले वाले में
देखिए ये पहला वी, सॉरी ये पहला वी, ये दूसरा वी, तो पहले सिंगल क्रोशे हम मार्क कर देंगे और उसके बाद हम हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। वी पूरा नहीं लेना है, सिर्फ बैक लूप में वर्क करना है। वी का जो बाहर का जो स्टिच है उसमें आपको सिंगल क्रोशे बनाना है। तो आप ये फुल रो ऐसे रिपीट कर लीजिए, हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाइए। अगर आप काउंट करेंगे जब तक आप लास्ट रो में बन जाएगा, काउंट कीजिए और आपको 32 सिंगल क्रोशे मिलेगा। ठीक है, तो आप ये रो कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट रो कैसे करना है वो बताती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने फुल रो कंप्लीट कर दिया है। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 32 सिंगल क्रोशे मिलेगा। तो आप चाहे तो काउंट कीजिए, मैंने यहाँ से पूरा का पूरा काउंट किया है तो मुझे 32 मिल गया है। आप भी चेक कर लीजिए। और 32 करने के बाद आपको लगेगा यहाँ भी करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, तो इस 32 करने के बाद आप डायरेक्टली जो आपका पहला स्टिच है जहाँ हमने स्टिच मार्कर डाला था उसमें आप एक स्लिप स्टिच कर लीजिए। तो इसे निकाल देती हूँ और इसको ऐसे लेती हूँ। अगर आप देखेंगे तो ऐसे ये मुड़ जाएगा, तो यहाँ अपना बूटी का शेप बनना शुरू हो गया है। अब ये इसको करने के बाद नेक्स्ट राउंड 5 के लिए, नेक्स्ट रो के लिए हम चेन स्टिच से ही स्टार्ट करेंगे। अब चेन स्टिच बनाने के बाद हमें फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है। तो सिंगल क्रोशे बनाने के लिए इसके पास में जो स्टिच है उसमें आपको अब जो सिंगल क्रोशे जो बनाएंगे वो हम दोनों जो वी है, ये देखिए वी 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 वी, दोनों स्टिचेस को साथ में लेके वी बन सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये बन गया मेरा पहला सिंगल क्रोशे। दूसरा बनाने के लिए ये वी, ये वी को पूरा लेंगे, दोनों लूप को लेके एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पहला ये दूसरा, आप स्लिप स्टिच स्टिच मार्कर लगा लीजिए, नहीं तो कौन से स्टिच में स्लिप स्टिच करना है वो पता नहीं चलेगा। मैं दो स्टिच बनाने के बाद रखती हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ एक के बाद बना दूँगी तो स्टिच लूज हो जाता है, इसलिए मैं दो स्टिच बनाने के बाद ही मैं स्टिच मार्कर लगाती हूँ। तो ये पहला ये दूसरा, ये तीसरा सिंगल क्रोशे, पूरा का पूरा वी लीजिए, दो लूप लेना है, ऐसे आप इस रो को कंप्लीट कर दीजिए। ये फुल राउंड करके यहाँ तक आ जाइए, ये जो लास्ट स्टिच है यहाँ तक। तो इस स्टिच अगर आप ये फुल रो कंप्लीट करेंगे तो यहाँ आपको 32 सिंगल क्रोशे मिलेगा। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 5 में भी 32 सिंगल क्रोशे बना दिए हैं। अब इसको मैं कंप्लीट करूँगी, पहले स्टिच में डालकर मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ, तो राउंड 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा राउंड 5। अब हम नेक्स्ट राउंड जाएंगे, राउंड 6। राउंड 6 तो इस राउंड में भी प्लीज़ आप चेक कर लीजिए कि आपके पास 32 सिंगल क्रोशे है कि नहीं। ये जो वी है 1 2 3 4 ऐसे आप काउंट कर लीजिए यहाँ तक, तो 32 होना चाहिए। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हम चेन स्टिच से स्टार्ट करेंगे। तो एक चेन स्टिच डाल दिया, अब इसके बाद हमें 10 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो यही स्टार्ट करना है, हम 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये 1, ये 2, आप स्टिच मार्कर लगा दीजिए, 1 2 और स्लिप मार्क। पहले स्टिच में हम स्टिच मार्कर से पहला स्टिच मार्क कर लेंगे। आपके पास अगर सेफ्टी पिन जैसे कहा था वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एक यार्न लिया है। तो 1 2 ऐसे हम 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
6, ये 7, 8, 9 और 10. ऐसे मैंने 10 सिंगल क्रोशे बनाए हैं. अब हमें सिंगल क्रोशे डिक्रीज करना है. सिंगल क्रोशे डिक्रीज 6 टाइम्स करना है. तो डिक्रीज कैसे करते हैं वो देखेंगे. सिंगल क्रोशे करने के लिए इसमें ऐसे डाल दिया, इसको ऐसे ले लिया. अब सिंगल क्रोशे करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम इसको इन दोनों में से निकालेंगे. अगर आप सिंगल क्रोशे डिक्रीज कर रहे हैं तो लास्ट का वो स्टिच मत कीजिए, उसकी जगह आप जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें आपके हुक को डाल के अपने वर्किंग यार्न को ऐसे ले लीजिए. ठीक है, अब आपके लूप हुक में 3 लूप हैं, तीनों को एक साथ ले लीजिए, 1, 2, 3. तो ये बन गया हमारा पहला सिंगल क्रोशे डिक्रीज. एक और बार बताती हूँ, इसमें डालिए सिंगल क्रोशे के जैसे ऐसे ले लीजिए. अब सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने को इसको ऐसे दोनों लूप में से लेना है, तो वो मत कीजिए. इस हुक को साइड वाले चेन में डाल के वर्किंग यार्न को ऐसे पुल कीजिए, फिर इसको ऐसे यार्न ओवर करके 3 लूप से निकाल दीजिए. तो ये बन गया हमारा सेकेंड सिंगल क्रोशे डिक्रीज. ऐसे हमें 6 करना है, तो 2 हो गया. अब तीसरा करेंगे, इसको ऐसे ले लिया, यहाँ से निकाला, फिर इस हुक को साइड के स्टिच में डाल के इसे ऐसे ले लिया, फिर यार्न ओवर करके तीनों लूप में से निकाला. तो ये थर्ड सिंगल क्रोशे डिक्रीज. अब हम फोर्थ करेंगे, इसे लेके तीनों में से निकाला. तो ये बन गया हमारा फोर्थ सिंगल क्रोशे डिक्रीज. अब फिफ्थ के लिए इसको ऐसे ले लिया, इसे ऐसे निकाला, साइड के स्टिच में डाल के वर्किंग लूप को निकाल के, तो ये बन गया हमारा फिफ्थ और यहाँ 6th. तो ऐसे हमने 6 सिंगल क्रोशे डिक्रीज कर दिया है. अब इसको करने के बाद हमें फिर से 10 सिंगल क्रोशे करना है इस रो को कंप्लीट करने के लिए. तो हम 10 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1, 2, 3, 4. देखिए मैंने यहाँ 10 सिंगल क्रोशे कर दिया है. अब हम इस रो को हम फिनिश करेंगे. तो इस रो को फिनिश करने के लिए जहाँ आपने अपना स्लिप स्टिच मार्क रखा था उस स्टिच में, ये जो वी है उसमें पूरा का पूरा लेके आपको स्लिप स्टिच करना है. स्लिप स्टिच लेके ऐसे ले लिया और फिर इसको ऐसे ले लिया, तो ये स्टिच, ये रो भी कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो ये था हमारा राउंड 6. अब हम राउंड 7 जाएंगे. राउंड 7 जाने के लिए फिर से आप एक चेन स्टिच से स्टार्ट करेंगे. अब आपको क्या करना है, 8 सिंगल क्रोशे बनाना है. 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो यहीं स्टार्ट करना है. ये 1, 2, ऐसे आप 8 बना दीजिए. साथ में आपके जो पहला स्टिच है उसमें आप स्टिच मार्कर भी लगा दीजिए. तो आप 8 कीजिए, मैं बाकी बताती हूँ. तो देखिए यहाँ मैंने 8 सिंगल क्रोशे डाल दिया है और साथ में मैंने स्टिच मार्कर भी लगा दिया था. अब 8 स्टिच मार्कर डालने के बाद हम नेक्स्ट चेन्स में 5 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करेंगे. ठीक है, तो पहले जैसे किया था वैसे ही करना है. तो 5 बार इस बार बनाना है, तो वो देखेंगे. तो यहाँ हमने सिंगल क्रोशे की जगह तरह किया है और इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, सिंगल क्रोशे डिक्रीज करना है. तो ऐसे करने के बाद साइड के चेन में डालेंगे और अपनी वर्किंग लूप यार्न को लेंगे, फिर यार्न ओवर करके ये तीनों लूप में से निकालेंगे. तो ये बन गया हमारा पहला सिंगल क्रोशे डिक्रीज. अब दूसरा देखेंगे, स्टिच में से डालेंगे और सिंगल क्रोशे की तरह ही ले लेंगे. सिंगल क्रोशे हम नहीं कंप्लीट नहीं करेंगे, उसकी जगह जो साइड में जो स्टिच है उसमें लेके इसको ऐसे पुल करेंगे और फिर अपने तीनों लूप में से निकालेंगे. तो ये बन गया दूसरा. ऐसे 5 करना है, 1, 2. अब तीसरा करेंगे, ऐसे डाल दिया,
इसको निकाला, साइड की स्टिच में डाल के फिर से निकाल दिया और फिर यार्न ओवर करके तीन लूप से निकाल दिया। तो ये तीसरा बन गया। अब ये चौथा, ये चौथा सिंगल क्रोशे डिक्रीज हो गया। अब एक और करना है, तो ये तो यहाँ गया, तो ये साइड में सिंगल क्रोशे कंप्लीट नहीं करना है, उसकी बजाय साइड में जाके आपको फिर सिंगल क्रोशे कंप्लीट करना है। तो ये बन गया हमारा फिफ्थ सिंगल क्रोशे डिक्रीज। अब आपको इस रो को कंप्लीट करने के लिए सेवन सिंगल क्रोशे बनाना है, तो सात और सिंगल क्रोशे बना दीजिए और इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो अब बनाइए, बताती हूँ। एक दो ऐसे बना दीजिए सात। तो देखिए यहाँ मैंने सेवन सिंगल क्रोशे बना दिए हैं। अब इस रो को ज्वाइन करने से पहले आप काउंट कर लीजिए कि आपके पास 20 सिंगल क्रोशे है कि नहीं। तो इस रो में हमें 20 चाहिए, तो मैं स्टार्ट करूँगी, मैं यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये रहा 20। तो इस रो में आपको 20 सिंगल क्रोशे चाहिए। आप 20 करने के बाद आप जो पहले स्टिच है जहाँ हमने स्टिच मार्क लगाया था उसमें आप स्लिप स्टिच कर दीजिए और रो 7 को कंप्लीट कीजिए। तो ये बन गया हमारा रो 7 या राउंड 7। अब नेक्स्ट रो को जाने के लिए सेम चेन 1 से स्टार्ट करेंगे के बाद ये रो हम स्टार्ट करेंगे। अब इस रो में हमें चेन स्टिच बनाने के बाद 7 सिंगल क्रोशे बनाना है, तो हम बनाएंगे। पहले में हम एक सिंगल क्रोशे डालेंगे, फिर दूसरा सिंगल क्रोशे, ऐसे आपको 7 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये मैंने 2 बना दिया, मैं इसको मार्क कर दूंगी। तो इस यार्न को लेके मैंने स्टिच मार्कर से, अगर आपके पास है तो लीजिए, नहीं तो सेफ्टी पिन जो भी आपके पास है उससे आप स्टिच को मार्क कर दीजिए जो पहला स्टिच था। तो 1, 2 हो गया, ऐसे 7 बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब 7 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करना है, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करेंगे, तो ऐसे ले लिया और इसको एक साथ निकाल दिया। तो ये बन गया हमारा पहला सिंगल क्रोशे डिक्रीज। मैं एक बार थोड़ा स्लो में बताती हूँ। पहले स्टिच में डालिए, अपने वर्किंग यार्न को ऐसे निकालिए, फिर अपने नीडल को दूसरे स्टिच में डाल के इस वर्किंग यार्न को पुल कीजिए, फिर यार्न ओवर करके तीनों स्टिच में से निकाल दीजिए। तो ये बन गया हमारा सेकंड सिंगल क्रोशे डिक्रीज। अब थर्ड के लिए इसको ऐसे डाल दीजिए, वर्किंग यार्न को निकालिए, फिर से इसमें डालिए, वर्किंग यार्न को निकाल के यार्न ओवर करके तीनों स्टिचेस से एक साथ निकालेंगे। तो ये बन गया हमारा 3 सिंगल क्रोशे डिक्रीज। अब इसके बाद इस रो को कंप्लीट करने के लिए आपको 7 और सिंगल क्रोशे करना है, तो वो कर दीजिए। 1, 2, तो ये बन गया हमारा 7वां सिंगल क्रोशे। अब इस राउंड को हम फिनिश करते हैं। तो जहां हमने पहले अपना स्टिच मार्कर लगाया था उसमें आपको डाल के एक स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। अब इसको हम निकाल देंगे। अब राउंड 8 जाने से पहले आपको चेन 1 नहीं, आपको चेन 2 करना है। तो इस रो में राउंड 8 फिनिश करने के बाद हम 2 चेन स्टिचेस बनाएंगे। हर इसमें हमने सिर्फ एक सिंगल एक चेन स्टिच बनाया था, यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशे, सॉरी 2 चेन स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हमें हर स्टिच में एक डबल क्रोशे डालना है, वो कॉमन है। हर स्टिच में
एक डबल क्रोशे। तो ऐसे डबल क्रोशे करने के लिए यार्न ओवर कीजिए और जहां हमने चेन स्टिच लगाया था वहीं आपको डालना है। तो ऐसे डाल के पुल कीजिए इसको, पहले दो लूप से लीजिए फिर यार्न ओवर करके दूसरे दो लूप से लीजिए। तो ये बन गया हमारा पहला डबल क्रोशे। अब हम दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, यार्न ओवर कीजिए, इस स्टिच में डालिए, इसको ऐसे पुल कीजिए, पहले दो लूप में से लीजिए फिर दूसरे दो लूप में से लीजिए। तो मैंने यहाँ दो डबल क्रोशे बना दिया है। अब मैं स्टिच मार्कर लगा दूँगी, मैंने लगा दिया। तो यहाँ दो डबल क्रोशे हो गए। ऐसे आपको इस रो में हर एक चेन में, हर एक स्टिच में डबल क्रोशे बनाना है। सिर्फ एक ही डबल क्रोशे इस पूरे रो में आपको कंप्लीट करना है। तो आप ये कंप्लीट कर दीजिए, मैं भी कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अगर तो देखिए यहाँ मैंने 17 डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब 17 डबल क्रोशे बनाने के बाद मैंने वो स्टिच मार्कर निकाला था, आप काउंट कर लीजिए। और जहाँ मैंने यहाँ से ही मैंने स्टिच मार्कर निकाला था तो यहाँ मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब इसको करने के बाद हम चेन टू करेंगे, चेन वन करेंगे। अब इसके बाद आप पहले 7 चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाइए। तो एक सिंगल क्रोशे 7 स्टिचेस में, 1, 2 स्टिच मार्कर से आप मार्क कर लीजिए। तो ऐसे आपको 7 सिंगल क्रोशे बनाना है इस रो में। तो 1, 2 हो गया, फिर 3, 4, 5, 6 और उसके बाद ये रहा 7। तो ऐसे आपने 7 सिंगल क्रोशे बनाना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट 3 स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशे डालने हैं। तो हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे डालेंगे, 1 और 2। इसे आपको 3 बार रिपीट करना है। तो ये पहला सेट था। अब नेक्स्ट स्टिच में भी 2 डबल क्रोशे डालेंगे, 1, 2। उसके बाद इसमें भी आपको 2 डबल क्रोशे डालना है, 1 और 2। तो ऐसे हमने 3 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे डाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो बाकी के जो स्टिचेस हैं, आपको 7 स्टिचेस और मिल जाएंगे। तो उन 7 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो 1, 2, 7, ठीक है। अब ये 7 बना दिया। अब आप इसको स्लिप स्टिच कर दीजिए, यहाँ है ना, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब स्लिप स्टिच करने के बाद हमें एक और चेन वन करेंगे, नहीं सॉरी, इस ये लास्ट राउंड है। तो लास्ट राउंड में हम चेन वन नहीं करेंगे, उसकी बजाय यहाँ तो स्लिप स्टिच कर दिया। अब हर राउंड में आपको एक स्लिप स्टिच करना है। वो उसका ऊपर का जो बॉर्डर है वो थोड़ा इवन होने के लिए यहाँ एक स्लिप स्टिच है। ऐसे आपको इस पूरे राउंड में आपको एक स्लिप स्टिच करना है हर स्टिच में। 1, 2 हो गया। आप इसको मार्क कर दीजिए, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ है। ये मेरा दूसरा था, ये पहला, ये दूसरा। मैं पहले में इसको ऐसे मार्क कर दूँगी। आप भी मार्क कर दीजिए। और उसके बाद हर स्टिच में, यहाँ जो जो स्टिच है उसमें सब में आपको एक स्लिप स्टिच करना है। तो देखिए ये राउंड 11 जो लास्ट राउंड था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। मुझे 2 और स्लिप स्टिच करने हैं। तो ऐसे डाल के यहाँ से निकाल दिया और यहाँ से निकाल दिया। तो आपको 11 स्लिप स्टिचेस मिलेंगे इस रो में। अब इसको फाइनली फिनिश करने के लिए पहले स्लिप स्टिच जहाँ बनाया था उसमें आपको डाल के इसको ऐसे पुल कर देना है।
तो ये बन गया हमारा बूटी। अब इसको फिनिश करने के लिए आप इसको ऐसे ले लीजिए और इसमें थोड़ा डिस्टेंस में कट कर दीजिए। तो इसको हम कट कर देंगे और इसको ऐसे निकालेंगे और थोड़ा से खींच दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बूटी। अब आप एक डार्निंग नीडल से इसको अंदर सी दीजिए, एम्ब्रॉयडरी नीडल जो आपके पास है उसको लेकर इसके अंदर से इसको हाइड कर दीजिए। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा एक बूटी। अब ये तो न्यूबॉर्न के लिए है क्योंकि इसका सोल बहुत छोटा है, ये 3 इंच के न्यूबॉर्न के लिए आसानी से आ जाएगा। इसमें थोड़ा स्ट्रेच है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेच मिल जाएगा। तो ये था आपका बूटी। अब इसको आप बहुत तरह से स्टाइल कर सकते हैं। आप एक चेन लीजिए, आप चाहिए तो जो वाइट है तो वाइट का ही ले सकते हैं, नहीं तो मैं दिखाती हूँ। देखिए, इसको करने के लिए मैंने यहाँ एक डार्क पिंक का एक यार्न लिया है, नहीं तो अगर आपके पास ऐसे सैटन के रिबन हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे बनाएं। सिर्फ एक चेन बनाना है तो नॉर्मल चेन स्टिच जैसे है। एक स्लिप नॉट ले लीजिए, मैंने छोटा सा 3 mm का मैंने हुक लिया है, जो भी आप चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और एक चेन स्टिच कर दीजिए ऐसे, स्लिप नॉट करने के बाद आप ऐसे चेन स्टिच बनाइए। तो ये चेन स्टिच इस पूरे बूटी में जाकर आपको जितना गार्ड बांधना है उतने लेंथ में कीजिए। मैं इसका बनाती हूँ और बताती हूँ कितना लेंथ मुझे मिला है। यहाँ मैंने एक ब्लू से भी किया है, तो ब्लू से करने के बाद जब आपके चेन स्टिच में ऐसे थोड़ा लंबा में आकर कट करेंगे तो एक डार्निंग नीडल ले लीजिए, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे आगे पीछे ले जाइए ऐसे हर एक स्टिच में, तो थोड़ा आसानी से निकल जाएगा। तो इसे पूरे रो में आप कर दीजिए और फिर एक बो बना दीजिए। इसको भी आप, तो आप चाहिए तो इसको ऐसे टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं और थोड़ा स्ट्रेच भी मिल जाएगा। अब इसको आप बो बना दीजिए, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। लंबाई कितना चाहिए वो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से चेन स्टिच बना दीजिए। यहाँ तो मैंने 10 इंच का चेन स्टिच बनाया है। तो ये देखिए, यहाँ बहुत प्यारा सा एक बूटी बन गया है। तो ये थोड़ा लंबा है तो इसको हम कट कर देंगे। जो भी कलर आपको चाहिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो चाहिए। अगर आप वाइट बूटी बनाते हैं तो वही इसका ये है कि आप बहुत कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वाइट ही यूज़ करें, आप चाहिए तो इसकी जगह पिंक का पूरा ये जो वाइट बनाया था उसका पिंक बना सकते हैं या ब्लू बना सकते हैं, न्यूबॉर्न के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप पिंक का बना रहे हैं तो उसके ऊपर पिंक का ऐसे सैटन रिबन डाल दीजिए। अगर आप पूरा ब्लू में बना रहे हैं तो देखिए ऐसे सैटन रिबन जो आपके पास होता है वो डाल सकते हैं। तो इसका ऐसा कुछ नहीं है कि वाइट ही चाहिए, जो कलर आपको पसंद है वो आप बना दीजिए। तो ये रहा एक बूटी, मैंने यहाँ पिंक का भी एक बनाया है, डार्क पिंक हो गया है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।